बुढ़ापन अपन क्या बात कर रखे हमने पॉइंट ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें से कुछ एग्जांपल्स दिए थे मैंने आपको। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल ये करते हैं, सबका माइक ऑफ है ना? चलो H2O पहला एग्जांपल है H2O। तो H2O का शेप क्या होता है? तो H2O का जो शेप है वो वी शेप होता है। क्या होता है? वी शेप ऐसे ही होता है, ठीक है। अच्छा, इसका पॉइंट ग्रुप आपने क्या निकाला कि इसमें कौन कौन से रोटेशनल एक्सिस हैं? क्या ये जो है लो सिमेट्री में आ रहा है? तो आप पा रहे होंगे कि यहां पर तो एक्सिस वर्क कर रहा है, ठीक है। वो भी कौन सा एक्सिस? तो यहां से होते हुए आपका एक C2 एक्सिस वर्क कर रहा है। ये सबको दिख रहा है क्या? तो yes, sir. सीधा बात हो रहा है कि यहां पर ये जो है आपका किसको बिलोंग करता है? हाई सिमेट्री एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है। और अगर ये हाई सिमेट्री को बिलोंग कर रहा है तो चलिए हमने एक्सिस तो पा लिया, हमने C2 एक्सिस पा लिया, और यही जो एक ही C2 एक्सिस लगता है, और यही आपको क्या होगा भाई? प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस यही होगा। यस सर, वेरी गुड। आप ध्यान देना, इसमें कुछ प्लेन्स हैं, तो आप बोलेंगे कि सर जहां से C2 लग रहा है वहीं से अलोंग दी एक्सिस प्लेन भी लग रहा है, और अलोंग दी एक्सिस लग रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? वर्टिकल वर्टिकल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा वी। मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर आपने प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट कर लिया और धोखे से आपको क्या दिख गया? सिग्मा वी। तो कितने सिग्मा वी होंगे? उसके एन के इक्वल। एन के इक्वल, वेरी गुड। तो एन का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2। तो कहीं ना कहीं वो जो प्लेन है वो प्रेजेंट होना चाहिए, सही बोल रहे हैं क्या? आपको दिखना है, दिख रहा हो, लेकिन वो प्रेजेंट तो है, आपको ढूंढना है। तो क्या आपको एक और वर्टिकल प्लेन ये वाला दिख रहा है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पूरा आधा आधा इक्वल हॉप्स में क्या कर देगा? ये डिवाइड कर देगा। दिख रहा है क्या भाई? क्या ये yes, sir. है? तो ये इसको मैं क्या बोल देता हूँ? सिग्मा वी प्राइम, मतलब दूसरा है, सिग्मा वी प्राइम बोल दिए इसको, ओके। इसके अलावा इसमें और कुछ भी दिखता है क्या? अरे इसके अलावा इसमें और कुछ भी दिखता है क्या? नो नो। तो इसमें एक्चुअल में है क्या? तो इसमें आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के साथ साथ क्या है? C2 है और सिग्मा वी है, और ऑब्वियसली अगर एक सिग्मा वी दिख गया तो ये 2 सिग्मा वी। तो जब क्या ये आपको उस कैटेगरी का दिख रहा है? आइडेंटिटी प्लस सी एन प्लस एन सिग्मा वी शुड बी सी एन वी। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? यस सर, C2 वी। अच्छा, तो ये हमने क्या कर लिया? C2V इसका पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट कर लिया। अब अपन देखते हैं, कुछ हमने बहुत सारी चीजें वहां पर सीख ली थी, चलो उनको वेरीफाई करते चलते हैं। यहाँ पर मैं आपके पॉइंट ग्रुप को लिख रहा हूँ, और यहाँ हम मेंशन करेंगे नंबर ऑफ ऑपरेशंस को, नंबर ऑफ ऑपरेशंस को। तो बताओ सबसे पहले हमको क्या मिला? तो आइडेंटिटी तो हर किसी के पास होती है, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होते हैं? 1। अरे ठीक, 1। चल
सेकंड जो है इसमें क्या है, सी टू नंबर ऑफ ऑपरेशन वन वन, और वो कौन सा है, सी टू वन, क्यों, क्योंकि कहां तक चलता है, सी टू वन से होते हुए सी एन माइनस वन तक, तो यही बस रहेगा क्या एक ऑपरेशन। अरे हाँ बोल दो। यस सर। अब देखिए सिग्मा वी जो है, कितने सिग्मा वी, दो सिग्मा वी, तो अगर दो सिग्मा वी है तो बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे सिग्मा वी के, दो दो, और वो कौन कौन से हैं, एक सिग्मा वी है और एक सिग्मा वी प्राइम है, यही है क्या, क्या आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में। यस सर। वेरी गुड। अब अपन क्या करते हैं, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, हमने कुछ चीज पढ़ी थी, ठीक है, ऑर्डर, क्या पढ़ा था हमने, ऑर्डर, और जब सी एन वी पॉइंट ग्रुप होता है, याद करो जब आपका सी एन वी पॉइंट ग्रुप होता था देन आपका ऑर्डर एच क्या था, कौन बोले, 2n 4 एग्जैक्टली 2n, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा 2n, और 2n का देखो n का वैल्यू को मल्टीप्लाई करो 4 एग्जैक्टली, तो मैंने ये आपको 2n सिखाया था, और अच्छी बात ये है कि जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस को लिए टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस को लिया एच बोलते हैं, बी के देख लीजिए एक आइडेंटिटी है, एक सी टू है और दो सिग्मा भी है, आपके दो और एक तीन और एक चार, समझ आ रहे हैं। किसी को वाटर में दिक्कत, मेरे ख्याल से वाटर में उन्हीं को दिक्कत होती है जो तैरना नहीं जानते, अदरवाइज वाटर से दिक्कत कभी नहीं हो सकती, ठीक है। सेकर हमने हर बार यही पढ़ा, ये H2O और NH3 ये बहुत हेल्प करते हैं हमको ग्रोथ को समझने में, कौन बताएगा इसका सरल कैसे लिखना है, ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल। अरे शॉर्टली उसको तो शायद पाई पिरामिडल ही बोल देते हैं, चलो ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल अच्छी बात। ज्योमेट्री क्या होती है तुमसे बताया, तुमसे बताया कि ज्योमेट्री बताया, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, शेप पिरामिडल होगा, ये लोन पे है, ठीक है, स्माइल कर रहे होगा, चल ये क्या पिरामिडल, इसमें क्या है, ऐसे में हमको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, अब दिक्कत हो रहा हो भी रहा होगा, ये क्या है, तो क्यों ना मैं उस जो लोन पे है उसको पकड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ऐसे अपने से दिखा रहा हूँ और हाइड्रोजन को तुम्हारे से दिखा रहा हूँ, तो बताओ नाइट्रोजन अगर सेंटर में है तो हाइड्रोजन लोग सब तुम्हारे साइड कितनी देर बेच में, क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं लोन पेयर को ऐसे पकड़ के अपने से दिखा रहा हूँ तो पूरे हाइड्रोजन लोग तुम्हारे साइड दिखेंगे, क्यों, अरे क्योंकि अगर इसको मैं, अगर मैं एक प्लेन मान लूं, ये लो सरफेस प्लेन, तो ऊपर देखो ऊपर कौन है लोन पेयर, नीचे कौन है हैंडलर, तो मैं अगर अपने तरफ ला लूं लोन पेयर को तो पूरे के पूरे हैंडलर तुम्हारी तरफ दिखेंगे, यस सर, तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन ये है तो हाइड्रोजन लोग कैसे दिखेंगे तुमको वेज में, दिखा दूं, ये लो वेज में दिख रहे हैं क्या,
यस सर। किसी को दिखा रहेगा लोन के जस्ट नाइट्रोजन के पीछे छुपा हुआ है, अब एकदम जस्ट उसके पीछे रहेगा तो बाहर लिखते हैं हमको, ये दिखाई देगा ना। यस सर। अब बताओ क्या तुमको यहां से नाइट्रोजन और लोन पेयर से होते हुए तुमको सी थ्री दिखाई दे रहे हैं? यस सर। यस सर। ऐसे में थोड़ा दिक्कत हो जाता, ऐसे कैसे दिख रहे हैं हाइड्रोजन लोग ऊपर नीचे इधर थोड़ा तिरछा, लेकिन वो एग्जैक्टली ऐसे ही है, इक्वल डिस्टेंस पर ये जो है प्रेजेंट है इक्वल एंगल पर, कौन दो हाइड्रोजन लोग, लेकिन थोड़े ऊपर हो गए, ये प्लेन में नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है प्लेन में नहीं है। तो बताओ ये सी थ्री आपको दिख गया, ऑब्वियसली 120 डिग्री पर आप क्या कर लो, रोटेट कर लो, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन बदल नहीं, फिर ऐसे रोटेट कर रहा है। मेरे को नहीं लगता कि इसको समझाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बहुत फोकस किया है जब मैं आपको रोटेशन समझा रहा था। अच्छा अब ध्यान देना, क्या आपको सिंपल वाला अभी H2O, अरे हटा दूं क्या इसको, इस हाइड्रोजन को समझ लो, ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है ना इसको तुम समझ लो आग बंद कर लो, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है और ये दो बस दिख रहे हैं, तो H2O टाइप का हो गया ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ से तो किसको नहीं पता कि यहाँ से सिग्मा भी नहीं दिख रहा है आपको, ये क्या है सिग्मा, अरे हाँ बोलो। यस सर। सबको दिख रहा है, कोई है ऐसा जो आग बंद बंद करने बोला तो आग बंद कर लो। अच्छा ये बताइए अगर एक सिग्मा भी दिखा तो कितने सिग्मा भी, तो दूसरा कहाँ है वो, तो जब ये बोल रहा है कि मैं तो ऐसा देखता हूँ कि सेंटर वाला नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से एक सिग्मा भी बना, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से एक सिग्मा भी प्राइम बन जाए, अरे हाँ बोलो। यस सर। तो ये जो है इस वाले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या यहाँ से एक सिग्मा भी और नहीं लगेगा, ये सिग्मा होता है, तो क्या आपको तीन सिग्मा भी दिख गए? यस सर। तो ऑपरेशन से अगर आपको लिखवाता है कोई तो क्या लिखोगे, इसके पास आइडेंटिटी है एक सी थ्री है और तीन सिग्मा वी है, इसको पॉइंट को क्या आएगा भाई, सी थ्री वी। क्यों, क्योंकि अब इसमें उसके अलावा और कुछ नहीं, किसी को दिख रहा है सिग्मा एच, नहीं दिख रहा है, इन्वर्जन इन्वर्जन किसी दिख रहा है? नो सर। नो सर। अरे बच्चा आप तो बहुत फास्ट, मतलब बहुत वेरी गुड। अब अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं इनका सब ऑर्डर ऑर्डर नंबर ऑफ ऑपरेशन कौन कौन से ठीक है, सी थ्री भी पॉइंट तो है, ये तो चलो लिख देते हैं सी थ्री भी, और यहाँ पर देखते हैं अपन नंबर ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन ठीक है, कौन कौन सा, पहला मैं बताऊंगा आइडेंटिटी, दूसरा तुम बताओगे C3। कितने ऑपरेशंस, टू सब बोल रहे हो? यस सर। कौन है वो लोग, बोलो, एक C3 1 और एक C3 2। अरे जो मैं शुरू का से बताया था वो सब वेरीफाई हो रहे थे, तुमको समझ आ रहा है? यस सर। आप पढ़ रहे थे बचपन में? यस सर। हाँ चल। यस सर। देखो अब आपका सिग्मा वी कितने हैं, तो सिग्मा वी 3 है, नंबर ऑफ ऑपरेशन 3, और वो कौन है, एक सिग्मा वी है, एक सिग्मा वी प्राइम है और एक सिग्मा वी डबल प्राइम है, इससे ज्यादा और कुछ है क्या?
नो सर। ऑर्डर कौन बताएगा? मैं सर। सिक्स। टू एन इज इक्वल टू सिक्स, देख लो, तीन दो पांच और एक छह। कोई बोल देगा धोखे से, बता तो कौन कौन से ऑपरेशन है। ठीक है छह तो ठीक है, वो तो सब पढ़ के आते हैं। तू एंड बता कौन कौन से, बता दोगे? आइडेंटिटी सी3 1 सी3 2 सिग्मा सिग्मा प्राइम सिग्मा डबल प्राइम सिग्मा डबल प्राइम, देखते देखते रह जाएगा। ठीक है चल। अरे ठीक, यस सर। हाँ तो इसको थोड़ा सा ध्यान देते रहना, मैं यही बस बगल में एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ या आगे ले जाऊं? चलो आगे, इसको भी समझाते हैं आपको तो ज्यादा मजा आएगा। सर है या फिर कोई भी एग्जांपल हो, आपके मैं आपको रिक्वेस्ट दिया था उसमें उसका नंबर कुछ भी हो सकता है। मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, एक क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है क्लोरो मेथेन, ठीक है, सी एल से सी एल। अच्छा इसी के साथ साथ मैं इसको इस एग्जांपल को भी ले लेता हूँ, POCl3। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? जैसे से कैसे होता है लाइक क्या लाइक अमोनिया से अमोनिया या ऐसे भी होते लाइक NH3 का सब जानते हैं, ठीक सर। कैसे दिखेंगे ये दो? ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। जहां पर लोन पेयर था वहां पर कौन आ क्लोरीन, प्रॉब्लम। वैसे ही नो सर, वैसे ही फास्फोरस Cl 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 और ये Cl और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन। तो लोन पेयर की जगह में क्या चेंजेस है? यहाँ Cl और यहाँ पर ऑक्सीजन। बाकी तो इसका अगर मैं शेप देखूं तो उसी टाइप का कुछ शेप है। अब भाई कोई बोलेगा नहीं सर अगला ग्रुप डेट है भाई, मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ लोगों को जगह में चेंजेस है। नाइट्रोजन की जगह कार्बन, लोन पेयर की जगह क्लोरीन, बाकी उसका जो शेप है कहीं ना कहीं उसी के अकॉर्डिंग लाइक मैं बोल सकता हूँ, सेम ही लाइक बोल सकता हूँ। अरे ठीक है यस सर। सो ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये मान लो कि एक कोई पर्टिकुलर कोई भी एटम है, ये है जो ये आपका कोई ए हो गया, ये आपका कोई ए हो गया और ये हो गया। इसको ले लेता हूं मैं कोई लोन पेयर। तो अगर ऐसे हैं कुछ, जैसे कि मान लो यह आपको क्या हो जाएगा ए ए और ए, और यहाँ पर अब कोई एक्स जुड़ा है और एक्स क्या हो सकता है? सपोज मान लो कि एक्स जो है कोई हेट्रो एटम है, कोई हेट्रो एटम है। अरे समझ आ रहा है? यस सर। तो इन सभी का क्या होगा? सेम पॉइंट ग्रुप, क्या होगा? सेम पॉइंट ग्रुप। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? तो क्या मैं इन दोनों को स्ट्रक्चर बना दूं ऐसे, जैसे कि अपन समझने के लिए जैसे बनाए थे कि सपोज मान लीजिए ये आपका
कार्बन हो गया, या कुछ भी ले लेते हो, चलो ये जो है आपका कार्बन हो गया और एक टाइम पर फास्फोरस हो जाएगा, और उसके पीछे ये जस्ट क्लोरीन है, बड़ा मॉलिक्यूल है ना, उसके पीछे ये क्लोरीन है और बाकी जो है वो लोग कौन है। तो सपोज मान लीजिए कि पहले स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये हाइड्रोजन है, दूसरे स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये क्लोरीन है। अगर क्लोरीन वाला देखोगे तो ये फास्फोरस होगा, पीछे वाला जो है ऑक्सीजन होगा। अरे समझ आ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये मैटर नहीं करता, बट ये अगर मैं ध्यान दूंगा कोई समझ पा रहा होगा, तो ये सेम टाइप का जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर था वैसे ही कुछ इन लोग भी दिखाई दे रहे हैं। किसको प्रॉब्लम है, किसको मेरी बात समझ नहीं आ रही? क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। तो अगर मैं सिंपल ग्रुप बोल रहा हूँ तो क्या आपको यहाँ से C3 दिखाई दे रहा है? तो यस सर। यहाँ से आपको सिग्मा वी दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको सिग्मा वी प्राइम दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको सिग्मा वी डबल प्राइम दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में इसका जो पॉइंट ग्रुप है, या आप इस पूरे कंडीशन में इसका जो पाइन ग्रुप है वो क्या होगा? C3B ऑपरेशंस कौन बताएगा? आइडेंटिटी C3 और 3 सिग्मा वी। और अगर ऑर्डर पूछता है तो ऑर्डर क्या बोलता है? 2N = 6। किसको प्रॉब्लम? अरे किसको प्रॉब्लम? अरे रिप्लाई दो भाई, कैसे करना है? सो तो नहीं जाते नो सर। ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा तो देख लो, सुन लो, समझ लो, बोल लो, पूछ लो, क्यों? क्योंकि दीज आर सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है? तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है किसी को इमेजिनेशन में देखने में, तो आप बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, ये क्या ए लिखे सर, क्या लोन पेयर, ये क्या हेट्रो एटम। मेरा कहने का मतलब ये है आप ऐसे स्टडी करो, आप सिर्फ पहचान लो कि ये किसके टाइप का है। अगर उसके टाइप का है तो उसी के टाइप का पॉइंट ग्रुप होना चाहिए, अगर उसी के टाइप का पॉइंट ग्रुप है तो उतने उसका ऑर्डर होना चाहिए, उतने उसकी सिमेट्री ऑपरेशन होना चाहिए। आप एक एक चीज का रट के जा सकते हो क्या कि इसका एस्टो में ये ऑपरेशन होते हैं, अमोनिया में ये ऑपरेशन होते हैं? अरे ठीक, यस सर। क्योंकि मैं आपको इसका फिर इम्पोर्टेंस बताता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर सबसे अच्छा अगर कोई पॉसिबिलिटी है अमोनिया का, सब तीनों हाइड्रोजन है और बीच में नाइट्रोजन है, उतना अच्छा होने के बाद उसमें क्या लग रहा है? C3B, एक ही C3 लग रहा है, 3 सिग्मा भी लग रहा है, उससे ज्यादा कोई सोचेगा क्या? अगर वैसे लोग दिखे तो मैं तो यही सोचूंगा कि अगर सब अच्छा होता है तो C3 भी लगता है। अब इससे ज्यादा बुरा हो सकता है, उससे ज्यादा और अच्छा नहीं हो सकता है, ये C4B ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। समझ आ रहा है क्या? तो मैं काटना चालू करूंगा कि अगर इसमें डिस्टरबेंस है तो किस तरह से डिस्टरबेंस है, कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स है वो रिड्यूस हो गए, तो भाई जो हो सकते थे उन्हीं लोग रिड्यूस होंगे। एग्जाम्पल मैं एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा हूँ आप इसको समझ लें। अरे HOCl जानते हो क्या? यस सर। कौन बताएगा इसका सेफ? ओनली ऑक्सीजन, शेप। हाइड्रोजन और ये सीएल। तो क्या तुम इसको लाइक बोल सकते हो? लाइक लाइक H2O करके? लाइक मत बोलना, रेगुलर सेफ, रेगुलर सेफ लाइक H2O। रेगुलर का मतलब ये है कि एकदम सेम नहीं है, समान सेप नहीं है, बट उसी के जैसे है। समझ आ रहा?
यस सर। अगर ये H2O होता तो इसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते? इफ H2O होता ये तो आइडेंटिटी C2 और 2 सिग्मा V। अरे हाँ बोलो। यस सर। यस, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था। तो होंगे तो यही, अगर नहीं होंगे तो इन्हीं में से लोग गायब होते जाएंगे। तो बताओ यहां से C2 लगता था क्या पहले? यस सर। और अब है क्या ये C2? नो सर। वेरी गुड, तो ये C2 खत्म, ये C2 खत्म। सिग्मा वी? नो सर। कौन सा सिग्मा वी? एक सिग्मा लगेगा। ये सिग्मा वी तो निपटा, दैट इज एक सिग्मा वी निपटा। मैं ऐसे लिख दूं क्या इसको? सिग्मा वी प्लस सिग्मा वी प्राइम, ठीक है? तो सिग्मा वी खत्म, सिग्मा वी खत्म। बचा क्या यार? तो बचा क्या, तो ये वाला जो दूसरा सिग्मा वी प्राइम लग रहा था H2O में, वो अभी भी जिंदा है इसमें। ये HO और CL को आधे आधे, एक जानते हो, एक एक को जैसे आधा काट देते हैं, वैसे ये काटते हुए निकल जाएगा दो बराबर भागों में। सो यहाँ पर सिग्मा वी प्राइम जिंदा है, और इसको मैं प्राइम नहीं बोलूंगा क्योंकि एक ही है, लेकिन मैं इन टर्म्स ऑफ H2O मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक प्लेन जो है अभी भी जिंदा है। दैट इज, आप कोई बताओ कि HOCl में कौन कौन से ऑपरेशन है? आइडेंटिटी प्लस सिग्मा, और आइडेंटिटी के अलावा अगर सिग्मा हो तो ये लो सिमेट्री ग्रुप्स। मेरे ख्याल से साजिया को काफी अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, तो हमने इसको प्रेजेंटेशन दिया, तो ये क्या हो जाएगा? क्या पॉइंट ग्रुप? CS। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आप बहुत सारे एग्जांपल्स को आसानी से सॉल्व कर देंगे? ठीक, चलो, तो ये एग्जांपल भी खत्म हुआ। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। SO2 Cl2 को चेक करो, क्या होता है SO2 Cl2? इसका शेप बताओ पहले। पिरामिडल। पिरामिडल, वेरी गुड। तो क्या ये जो है सल्फर डबल बॉन्ड हो और Cl और Cl होगा कि? यस। कौन है यस सर वाले? इसको पिरामिडल बोलते हैं। लोन पेयर डबल बॉन्ड हो CL, अब बोलो यस। समझ आया? तो ये बराबर नहीं होता भाई, ये ऐसा ऐसे SOCl2 देख करके एकदम ऐसे सॉल्व मत करना। इसमें आपको पता है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है? कौन बताएगा? sp3। वेरी गुड। कितने लोन पेयर? एक। बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3, लोन पेयर इज इक्वल टू 1। सो क्या कॉम्बिनेशन बनता है? 3+1। क्या होगी इसकी, इसका शेप जो है पिरामिडल। समझ आया? तो क्या मैं SOCl2 को जैसे मैं HOCl को जैसे रेगुलर लाइक H2O बोला, रेगुलर शेप लाइक H2O, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? रेगुलर शेप लाइक, अरे बोलो यार, NH3। तो अच्छे से अच्छा अगर NH3 हो जाता तो उसमें क्या होता? अगर NH3 होता तो इसमें क्या होता? आइडेंटिटी, दैट इज C3V, आइडेंटिटी C3 और 3 सिग्मा V। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो सिग्मा वी प्राइम प्लस सिग्मा वी डबल प्राइम।
अरे समझ आया। लेकिन अगर मैं जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रखा अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, तो वो क्या था भाई, ये बीच वाला सल्फर वेज में कौन जाएगा, तीनों वेज में चले जाते थे क्या? अरे हाँ बोलो सर। ये लो सर। तो इसको अच्छे से बना देता हूँ, मेरा ड्राइंग पे मत जाना ठीक है। तो अरे यार ये भी ठीक से नहीं बना, आपको कंफ्यूजन हो जाए, ऐसे बना ठीक। हाँ अब देखो ये क्या है ऑक्सीजन, और ये क्या है क्लोरीन, और ये क्या है क्लोरीन। तो बताओ इसके पॉइंट ग्रुप अगर मैं बात करूंगा तो C3 तो निपट गया, निपटा क्या? C3 लगते दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा। अब आप बोलोगे सर ये जो यहाँ से सिग्मा भी जो लग रहा है वो तो हमको अभी भी दिख रहा है, सिग्मा भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है क्या? नो सर नहीं है। आप बात कर रहे हो सिग्मा भी नहीं दिख रहा है। अरे ऑक्सीजन जो है एक के टाइप आधा आधा खत्म, सल्फर जो है एक सर सेम प्लेन में नहीं है। अरे सेम प्लेन बाबा मैं रोटेट नहीं करूँ तो अदर प्लेन में जाएंगे। अच्छा तू अपने हाथ को ऐसे सामने कर, ऐसे जैसे हमको पनिशमेंट नहीं मिलता था स्कूल में हैं, ऐसी जवाब देगी तो चल खड़े हो जा और हाथ को ऐसे सामने करके खड़े हो जा करके, चल खड़े हो दोनों हाथ को सामने कर की, अरे कर ली ये सर आगे समझ ठीक है। हाँ अब ना अपने सिर से होते हुए ऐसे जब नाक को होते हुए ना एक प्लेन लगा ठीक है, दोनों हाथ एक दूसरे के सामने दिखेंगे। यस सर। अब बोल प्लेन में है कि नहीं भैया? वो आउट ऑफ प्लेन है, लेकिन मेरे को आउट ऑफ प्लेन और ऑन द प्लेन का मेरा क्या मतलब, मेरे को ऐसा प्लेन लगाना है जो एक दूसरे को मिरर इमेज बना दे, लग रहा है क्या? यस सर। तो दिख रहा है ये सिग्मा भी? अरे दिख रहा है बोलो भाई। यस सर। मैं बता रहा हूँ कि क्या नहीं दिख रहा होगा आपको, ये वाला नहीं दिख रहा होगा सिग्मा वी प्राइम, दिख रहा है? क्या बोलते हो? नो सर। पक्का ना? क्यों? क्योंकि इधर क्लोरीन है इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जगह हम क्लोरीन दिखेगा, क्लोरीन के जगह हम ऑक्सीजन, समझ आया क्या मतलब? ये खत्म। वैसे ही दूसरा जो सिग्मा भी था एक और ये वाला, वो है क्या? नो सर। नो, तो ये भी खत्म। तो अल्टीमेटली बचा क्या? तो ये सिग्मा वी प्राइम, सिग्मा वी डबल प्राइम, ये सब निपटे। कौन बचा इसके लिए बचा आइडेंटिटी, और एक सिग्मा शुड बी इक्वल टू सी एस पॉइंट ग्रुप बिलोंग्स टू सी एस पॉइंट ग्रुप, समझ आया? अरे कर लो भाई। हाँ बोल दो भाई। यस सर। इसको दिक्कत है बताओ, कैसे? नालिनी प्रॉब्लम आ गया सर। मीनाक्षी यस सर। चल तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बहुत ही वेल नोन कंपाउंड और इम्पोर्टेंट कंपाउंड की बात करते हैं, फिनॉल। फिनॉल क्या होता है भाई? C6H5OH यही होता है। यस सर। ठीक। यस सर। ऐसे देते हैं तो थोड़ा समझ भी जाते हैं अपन, ये लो अभी ऐसे दिखाया, उसका मन अच्छा रहता है बेचारा दयालु रहता है तो थोड़ा सा और सुविधा दिखा देता है, ऐसे कर देता है। अरे ठीक, अगर और भी भला इंसान हो, क्योंकि भलाई का भी एक कैटेगरी होता है ना,
और भी बड़ा इंसान हूँ तो वो ऐसे दिखाएगा। समझ आया? अरे ठीक, यस सर, यस सर। अब इतना देखने के बाद कोई और भी अगर बगल में कोई अच्छा वाला क्लास में बैठ जाए तो बता देगा कि ये कैसा है रेगुलर शेप लाइक। क्या वाटर? H2O। H2O, समझ आया? तो देखो कितने कॉम्प्लेक्स से कितने सिंपल तक, सिंपलर की तरफ चले गए तुम। क्योंकि फिनॉल बोलता तो आधे लोग को तो अरे यार फिनॉल का फॉर्मूला क्या था यार, क्या होता है उसका से है? तो धीरे धीरे आपको यहाँ तक पहुँचना है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ तक पहुँच जाते तो आप बताओ बार बार ये लिखूंगा कि H2O में क्या होता है, H2O में क्या होता है EC2 और सिग्मा भी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इसमें भी रहेगा क्या? यस सर, यस सर। वेरी गुड। C2 रहता है क्या उसमें? सर इसमें नहीं होगा। वेरी गुड। सिग्मा भी रहता है क्या उसमें? यस सर, एक सिग्मा। और वो कौन सा है सर? जो हाफ हाफ कट करेगा। वेरी गुड। तो इम्पॉर्टेंट ये है बच्चा कि इसको ध्यान देना कि ये जो आपका बेंजीन रिंग है उसमें sp2 हाइब्रिडाइज रहता है, दैट इज ये ऑल ग्रुप्स बिलोंग्स टू सेम प्लेन। सभी सेम प्लेन में होंगे क्या? यस सर। तो आपका ये वाला प्लेन लगेगा क्या? इसी को बोल रहे थे ना कि यही लगेगा सर करके। यस सर, यस सर। वेरी गुड। तो इसमें एक सिग्मा काम कर रहा है, दैट इज आइडेंटिटी प्लस सिग्मा शुड बी इक्वल टू CS। अरे हाँ बोल दो, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो एक नालिनी थी शायद उन्होंने कहीं से पढ़ा होगा, क्योंकि तो बिना पढ़े तो इतना सवाल ही नहीं उठता। अच्छी बात है, ऐसे काम करते रहने चाहिए। ये आपका क्या हो जाएगा, ये लीजिए ये ऑक्सीजन। उन्होंने हाइड्रोजन को सेम प्लेन में नहीं लिया जिसमें बेंजीन लोग थे, दैट इज सपोज मान लीजिए कि ये जो है आउट ऑफ प्लेन है। क्या है आउट ऑफ? यहां बोलो। ठीक, तो क्या होगा? अरे वही होगा जो इधर हो रहा था। सबसे पहले तो मैंने H2O को बेस मान करके, अभी तुम अच्छे होते तो H2O टाइप के कम से कम ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिटी सिग्मा C2 और ग्रुप ऑफ सिग्मा भी रखते, लेकिन चूंकि तुमने एक हाइड्रोजन को बेंजीन रिंग से रिप्लेस कर दिया तो तुमने कुछ सिमेट्री तो खत्म होगी और वो एक C2 हो गया और एक प्लेन हो गया, दो खत्म हुए। अब ये बोल रहा है कि नहीं मैं इतने में नहीं मान रहा हूँ, मैं हाइड्रोजन को और आउट ऑफ प्लेन ले जा रहा हूँ। तो ये बोलेगा जब वो बेचारा प्लेन में था तो मुश्किल से तो ये दो एलिमेंट आए थे उसके पास और तुम उसको एक को आउट ऑफ प्लेन कर दिए और उसको तोड़ मरोड़ रहे हो, तो क्या होगा? अरे वही होगा, इसमें से जो होंगे उनमें से गायब होंगे या तो मेंटेन होंगे। अब बताओ वो प्लेन बेचारा खत्म हुआ क्या इसके लिए? अरे ये प्लेन खत्म हो गया क्या, जो एक तो मुश्किल से प्लेन लग रहा था वो खत्म हुआ क्या? यस सर, यस सर। तो बचा क्या? आइडेंटिटी। और जिसके पास सिर्फ आइडेंटिटी होती है उसका क्या होता है? कंग्रू C1। अब समझ आया जो नालिनी बोल रही थी? कई लोगों को तो क्या बोल रही है नालिनी ने, क्या आउट ऑफ प्लेन ऑन द प्लेन, ऐसा था ना? अब सब लोग बोल लोगे कि नालिनी बस बोलेगी अभी भी? मेरे ख्याल से सब लोग को बोलना चाहिए। ओके ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने कॉपी पेन निकाला होगा। अरे बैठे हो कॉपी पेन निकालते? यस सर। चलो अपने जुगाड़ के हिसाब से जो मैं आपको सिखा रहा हूँ अपना देसी जुगाड़, उसके हिसाब से मेरे को एनिलीन
और पॉल्यूइन किसका बता रहा है, मजा आ रहा है। सर एनिलीन का सी है, पॉलिन का भी सीएस। पॉलिन का भी सीएस, तो क्या मेरे को इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। क्या होगा, क्या ऐसे ही होगा क्या? अरे जब अमोनिया रहता तो, अमोनिया रहता तो इसके किस्मत में क्या क्या स्ट्रक्चर रहता? ये लो ऐसे, इसको ऐसे बना देता जी। ऐसा होता क्या? सब चीज अच्छा था, बसरते क्या एक हाइड्रोजन जो है वो किससे रिप्लेस हो गया? बेंजीन से। बेंजीन से। तो जब सब अच्छा रहता तो जो C3 में रहता वही रहता, लेकिन चूंकि डिस्टर्ब हो गया तो अब कौन सा प्रेजेंट होगा भी बताओ, कौन सा कहाँ से जा रहा है वो प्लेन में बताओ। जो CS बोल रहे हो आप, वेरी गुड, मैं तारीफ करता हूँ आपके इस आंसर की, बट कहाँ से जा रहा है वो प्लेन? बेंजीन को हाफ कट करेगा और दोनों एच के बीच से। वेरी गुड, ये आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? इसके अलावा और कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा होगा मेरे पास, ठीक है। इसको कौन बताएगा यार, क्या होगा इसका? कैसे मैं अपने अगर जुगाड़ से बनाता हूँ कि सेंटर में अगर मैं कार्बन रख दूँ तो कैसे इसको बनाऊंगा? टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल कैसे दिखता है? आप बोलोगे सर एक को ना आप क्या करो, दो लोगों को प्लेन में रखो और एक को डिश में रखो और एक को वेज में रखो, ऐसे ही बोलते हो। अरे है क्या ये टेट्राहेड्रल? यस सर। अरे हाँ है भाई, बिल्कुल यस सर, बिल्कुल सही जवाब। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ये टेट्राहेड्रल है क्या? यस सर। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको मरोड़ के ये जो प्लेन में है उनको मैं अपने पास लाऊंगा, अपने तरफ घुमाऊंगा 90 डिग्री, तो ये प्लेन वाले मेरे तरफ, दोनों के दोनों मेरे तरफ हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? अरे क्या हो जाएंगे? अरे बोलो यार, दिखाई दे रहा है? यस सर। सो क्या मैं यहां से एक प्लेन लगा सकता हूं? और बाकी इसके अलावा कुछ लगेगा? नो सर। नो सर। तो आप क्या बोल सकते हैं इसको? सिग्मा प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू सीएस। सीएस, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। यही लोग तो दिक्कत देते हैं, बाकी लोग तो सब स्माइल लाते हैं।
ओके यस सर। क्या कोशिश करोगे आप सबको बनाने की? बन जाएगा? हाँ सर कोशिश करेंगे। कोशिश ये करना कि ये एक्चुअल में किसके टाइप होगा और उसके टाइप का मतलब आगे अगर आपने उसको पता लगा लिया तो भी सिंपल सी बात है, अगर अमोनिया टाइप का होता तो अमोनिया में ये सब होते तो उन्हीं लोग से गायब होंगे, कुछ लोग होंगे कुछ लोग जो है अब्सेंट हो जाएंगे। ये एक सिंपलेस्ट तरीका है एक ऑपरेशंस पता करने के, उसको पॉइंट ग्रुप पता करने के। बाकी आपको जो रूल रेगुलेशन जो बताए गए हैं कि ट्यूटोरियल से जो चार्जे भी बता रहे थे कि ये फॉलो करते पहले ये देखते फिर ये देखते फिर ये देखते, तो उस कंडीशन से भी आप वहाँ से पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर पॉइंट ग्रुप बता दिया मैं तो आप बता दोगे कि उसमें कौन कौन से ऑपरेशन हैं? यस सर। वेरी गुड। अगर ये सब कर लिए तो फिर क्या टेंशन है आपको? C5H, अगर C5H है तो कितने C5 हैं, कितने और कुछ हैं, कितने सिग्मा एच हैं, कितने सिग्मा भी होंगे, मेरे ख्याल से सब बता देंगे आप। ठीक, पीछे का बैकअप चल रहा है, सब एक बार पढ़ के आते हो? यस सर। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें हमारे बताया समझ आया हो, कल मैं आपको फिर और इससे सिंपल तरीका बताऊँ अगली क्लास में। ठीक यस सर। यस सर।